नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, होठों का फटना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, जो क्रैक ऑफ लिप्स होता है। हमारे होठ फट जाते हैं, चाहे वो मौसम से चेंज होने की वजह से हो। सर्दियों के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे होठ फट जाते हैं। किसी किसी को तो गर्मियों के मौसम में भी होठों के फटने की शिकायत होती है। तो मित्रों, सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम का जो मूल कारण है उसे समझ लीजिए कि आखिर इसका जो बेसिक रीजन है वो क्या है। सबसे बेसिक रीजन इसका जो मूल कारण है वो ये है कि शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। जैसे ही शरीर में पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके उसका असर आपके होठों पर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके होठ सूखना शुरू होंगे और उसके बाद में धीरे धीरे उनमें दरारें आना शुरू होगी, और जो कि बहुत तकलीफ देती है। जिसके होठ फटते हैं उसको कितनी तकलीफ होती है केवल वही व्यक्ति जानता है। तो होठों का फटना आप बहुत तकलीफ देता है, आप कुछ खा नहीं पाते हैं ठीक ढंग से, और देखने में भी वो थोड़ा खराब लगता है। तो सबसे मूल कारण जो है आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, शरीर में गर्मी बढ़ गई। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम किया जाए, उसको शरीर को शीतलता दी जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पानी पीना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं। और खास तौर से सर्दियों के मौसम में ये होठों के फटने की शिकायत इसलिए आती है क्योंकि हम लोग सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं। गर्मियों के मौसम में हम लोग तो प्यास लगती है इसलिए ज्यादा पानी पीते ही हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में हमारा पानी पीने का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो मित्रों, ये गलती आप ना करें। शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए, शरीर को अंदर से कूलिंग देने के लिए, ठंडा रखने के लिए आपको सर्दियों के मौसम में भी भरपूर पानी पीना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी आपको सर्दियों के मौसम में भी पीना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके होठों का जो मॉइस्चराइजर है, जो भीतर की नमी है, वो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये करके आप अपने होठों को जो फटते हैं वो इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी उसका उपयोग कीजिए। विटामिन सी हमारे लिए क्या फायदा करता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट और अलग से बहुत अच्छा वीडियो दे रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स संतरा माना गया है। संतरा आप बाजार से ले आइए, उसको साफ सुथरा धो करके आप उस संतरे को धीरे धीरे खाना शुरू कीजिए। तो आप उसको बारीक चबा चबा कर खाएंगे तो विटामिन सी आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके जो ये होठों के फटने की जो शिकायत है वो भी दूर होगी। और एक बहुत कम समय में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, एक बहुत सही और सटीक घरेलू एक टिप्स है कि जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के बाद में, जैसे ही आप नहा लेते हैं, कंप्लीट आपका स्नान हो जाता है, उसके बाद में आपको अपने नाभि पर, जो नाभि होती है उस पर, आपको 2 से 3 बूंद सरसों का तेल आपको उस पर मसाज करना है। आप चाहें तो उस नाभि के अंदर 2 से 3 बूंद सरसों का तेल डाल लीजिए और हल्का हल्का उसके भीतर और उसके बाहर हल्का हल्का मसाज करना है। इससे आप देखेंगे कि बात बहुत छोटी सी है, एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इससे आप देखेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे होठों से। आप जैसे ही नाभि के अंदर सरसों का तेल डाल करके और उसके आसपास, उसके बाहर आप सरसों के तेल की आप मसाज करेंगे तो आपके होठ फटना बंद हो जाएंगे। और एक और बेनिफिट होगा इसको करने से, आपके चेहरे की जो कांति है, जो चमक है, वो बढ़ेगी। आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपके अनुभव क्या रहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें आप कि ये आपको करने से क्या फायदा हुआ। तो मित्रों, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि जिन लोगों को होठों के फटने की बहुत ज्यादा समस्या है वो ये कुछ जो मैंने उपाय बताए हैं वो करें, और जो मूल कारण बताया है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इस होठों को फटने की जो ये प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, इस परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको टच करके आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है, फायदा ये है कि आपको मेरा इसी तरीके का वीडियो, सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको आगे से आगे मिलते रहेंगे। बेल आइकन का बटन, जो घंटी का एक आइकन बना हुआ उसको टच करके आप उसको जरूर टच करें, क्योंकि उसको टच करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।